तो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, हमारी नेक्स्ट ट्रैवल जर्नी, ट्रैवल डायरी, चेन्नई के लिए हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं और लाइफ का फर्स्ट आरएसी एक्सपीरियंस होने वाला है। इसके पहले भी हमने बुकिंग करा है लेकिन आरएसी मैंने मैम के साथ ट्रैवल नहीं किया है। इस बार जो हमने एक महीने पहले ही बुक करा है बट फाइनली हमारी आरएसी रह गई 34-35 में। अभी तो फिलहाल के लिए भी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ऑटो लेने के लिए। आज तो डर है कि कहीं हमारी जो ट्रेन मिस नहीं हो जाए, देखते हैं। मैम की वजह से लेट हो गया, हर घर की यही कहानी है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, थैंक यू ऑटो वाले को, काफ़ी मतलब फास्ट उन्होंने चलाया। विद इन 30 मिनट्स हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चलते हैं यहाँ पे स्टेशन के अंदर। अब B4 हमें जाना है। B4 किधर गया? चलो ऑन टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं और ट्रेन यहाँ पे पहले से ही लगी है, जबकि इसका डिपार्चर टाइमिंग है 4:55। तो हम लोग टाइम से पहले ट्रेन में चले जाएंगे। निकलो निकलो, कौन से 32? नेक्स्ट टू नेक्स्ट। और ये है हमारा आरएसी। तो तुम्हारा है ये 32, ओके, मेरा है 31। तो अपने अपने लेग्स को इधर मत आने देना। तो सर तुम लोग अकेले बैठो, हम तुमको बैठने नहीं देंगे अपने साथ। आरएसी है, ओके। तो गाइस ये है हमारा आरएसी। आप इतने में सोना, मैं इतने में सोऊंगी। यस। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं ट्रेन के अंदर। अभी ट्रेन खुलने में भी 20 मिनट्स अराउंड है, हम लोग बैठ चुके हैं। आप लोगों ने कभी आरएसी ट्रेवल किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सबसे लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा। और फर्स्ट टाइम चूंकि मैं कन्वर्ट लाइक ट्रेवल कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि हमें दो कम्बल या दो पिलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर अभी तो हम लोग ठीक है, चलो जान पहचान वाले हैं, तो अलग अलग होते होंगे तो उनको दिया जाता होगा लगता है। तो हम भी कहते हैं आप नहीं जानते एक दूसरे के साथ हम लोग, फिर इसलिए दो कंबल और दो पिलो हम लोग को मांगना पड़ेगा और बेडशीट भी। बिल्कुल ऑन टाइम पे और ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। क्या हुआ, किसी ने ब्रेक लगाया क्या? स्लो हो गई। हम लोग आज ट्रेवल कर रहे हैं मैंगलुरु से चेन्नई और ये कंप्लीट जर्नी हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बनाई है तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आरएसी में हमारा कैसे सफर रहा और बाकी ये डेली व्लॉग आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बने रही है हमारे व्लॉग में। वो सारा सामान तो लग गया, हमारा सीट जो है रेडी हो गया है, हमने इसको बिछा लिया है जो भी चीजें थी। अभी लगेज कहाँ रखोगी? लगेज सोच रही हूँ, मैं जब सोऊंगी तो तुम पकड़ लेना, तुम जब सोओगे तो मैं पकड़ लूंगी। वाओ क्या व्यू है यार, अच्छा लग रहा ना। मैं आपको सीटिंग थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए साइड अपर में, साइड अपर में क्या है, जनरली तो आप नहीं देखेंगे चार्जिंग पॉइंट बट हाँ यहाँ पे है चार्जिंग पॉइंट तो अच्छा है। और साइड लोअर में भी आपको चार्जिंग पॉइंट दी गई है। क्लीनिनेस अच्छी है बट थोड़ी सी सीट वगैरह कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े गंदे हैं बट स्टिल
बाकी अदर जगह देखें तो सही है। यहाँ सामने आपको ट्रे टेबल है, दो सीट या मिडिल सीट हो गया, अपर वाली सीट हो गई, सामने क्लीन सा मिरर। अरे भाई तुम तो पूरा का पूरा सीट ले लियो, आरएसी है, आरएसी है ना, तो मुझे भी जगह दोगे ना तुम सोने के लिए? इसमें है मुझे मिला नहीं है अभी, मतलब ये एक्चुअली में इधर सोइए, वो मेरा जगह है इधर वाला, तुम्हारा उधर है, उधर जाओ। मैंने सब कुछ किया, बिछा है, तुम जाके सो गई हो। दिस इज नॉट फेयर। समोसा भैया दो दे दीजिए। समोसे आ गए हैं गर्मा गर्म। हमको तो कहीं से गर्मा गर्म। अरे चुने आ। अभी बज चुके हैं 5:30, पहुंच चुके हैं हम लोग बयानूर रेलवे स्टेशन। ഉത്തര മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാഹ വസ്ത്ര വൈവിധ്യങ്ങളുമായി കണ്ണൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും തകർത്തും കടന്നാകും. फाइनली हमने एक जुगाड़ किया है। देखिए ये क्या है, इसमें सीट जो है बंधी रहती है ना, इसको हमने इस तरीके से पकड़ा दिया तो ये होल्ड हो गया और इधर भी हो गया। तो जो आरएसी में सफ़र कर रहे हैं इस तरीके का जुगाड़ ट्राई करें कभी, ताकि हाँ कम से कम बैठने नहीं है, मतलब कुछ भी, यदि साथ में ही ट्रेवल कर रहे हैं लोग तो इस तरीके से बैग एटलीस्ट रख सकते हैं। हाँ जो बैठेंगे उनको दिक्कत होगी, जो सोना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। और रात होते ही हम लोग जो है, जो रेलवे स्टाफ होते हैं, जो थर्ड एसी में स्टाफ होते हैं, उनसे हमने बात करा, बोला कि हमारी आरएसी सीट है तो हमें लाइक दो पिलो, दो कंबल और दो बेडशीट दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। एटलीस्ट हमें लाइक हम लोग साथ में ही जर्नी कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप एटलीस्ट हमें दो पिलो दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया, और टीटी से भी बात किया तो टीटी ने भी मना कर दिया कि उन्होंने बोला कि नहीं एक ही दिया जाता है। तो फिर हमने 139 में कॉल किया, उन्हें वहाँ पे कंप्लेंट किया। चलिए रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। और जैसे ही मैंने 139 में कॉल किया, उसके कुछ देर के बाद ही हमें जो है पिलू मिल गया। और जो 139 में हमने कॉल करके कंप्लेन किया, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जागरूकता के लिए है, ताकि आप लोग यदि आरएसी में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अपने अधिकारों को जानिए। और इंडियन रेलवे हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें जाननी पड़ेगी, तभी जाके हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए हमने जो डायरेक्टली 139 में कॉल किया, वहाँ पे पूछा कि आखिर क्या रूल्स रेगुलेशन है जो आरएसी में सफर करते हैं। उन्होंने बोला कि अभी नए रूल के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा। चलिए रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। सीट उपलब्धता की जानकारी के लिए 4 दबाएं, हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं।
नमस्कार, रेल मदद में आपका स्वागत है। जी सर बताइए, पीएनआर नंबर 490 जो मंगलोर सेंट्रल से लेकर चेन्नई तक जाने वाली ट्रेन। हाँ सर, हम लोग आरएसी में सफर कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो एक्चुअली हमें पिल्लो चाहिए था, तो अभी इस सीट में जो है दो पिल्लो आरएसी में मिल सकता है क्या, पिल्लो बेडशीट एंड कम्बल? जी दो पिल्लो, दो बेडरोल मिलेगा सर। लाइक दोनों का अलग अलग मिलेगा ना, दो पिल्लो, दो बेडशीट प्लस दो कम्बल? जी जी जी, पहले एक ही मिलता था, अब नए रूल्स के हिसाब से दोनों को दो अलग अलग मिलेगा। ये नया रूल कब से बना सर? सर कब से बना कुछ उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, बट नया रूल जैसा आया तो दो लोग अलग अलग। अटेंडेंट रेडी नहीं हो रहे देने के लिए, बोल रहे कि नहीं है, ये हमारे पास एक ही होता है, एक ही एक सीट पे एक ही मिलता है। सर अभी तो दो लोग के लिए दो आया हुआ है सर। तो आप इस ट्रेन के जो अटेंडेंट है आप उनको बोल सकते हैं क्या? सर मैं इधर से कंप्लेंट रेस करके दे देता हूँ सर, तो हमारी बैक एंड कंसर्न टीम से आपको सहायता मिल जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है, आप कर दीजिए। एक सेकंड सर। दो कंबल चाहिए सर, दो कंबल चाहिए हमें, बेडशीट नहीं चाहिए, दो कंबल प्लस दो पिल्लो बस। वन सेकंड, पीएनआर नंबर बता दीजिए। 49। सिर्फ हमें वन पिल्लो एक्स्ट्रा चाहिए प्लस वन ब्लैंकेट चाहिए, अभी हमने ऊपर वाली सीट का ले लिया है, बट यदि वो आएंगे तो उनको देना पड़ेगा, रात में फिर अटेंडेंट को परेशान करनी पड़ेगी। जी जी जी, इसलिए मैं आपसे सहायता चाह रहा हूँ। सर ट्रेन नंबर बता दीजिए। एक सेकंड, 12686। जी सर अभी कंप्लेंट रेस किया, अभी कंप्लेंट रेस किया है, वेट कर लीजिए, अपनी बैक एंड कंसर्न टीम से आपको सहायता मिल जाएगी। और अभी रात के 8:30 बज चुके हैं, हमने टीटी से बात करा कि आपके पास कोई भी सीट खाली है या फिर नेक्स्ट स्टेशन में होती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें। तो यदि आप आरएसी में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप टीटी से हमेशा लाइक कंसल्ट करते रहें, ताकि उनके पास जब भी सीट अवेलेबल रहे तो वो आपको मिल जाएगी। हमारे ऊपर वाली साइड अपर सीट अब में कोई नहीं आया था, उन्होंने बोला यदि कोई नहीं आता आप उसे ले सकते हैं, देखते हैं यदि कोई नहीं आता तो हमारी सीट हो जाएगी। और फाइनली रात के 10 बजे टीटी ने कंफर्म किया कि जो आपके ऊपर वाली साइड अपर सीट है उसमें कोई नहीं आएगा तो आप लोग सो सकते हैं। तो फाइनली हमारी आरएसी सीट एक तरह से समझो कि हमें कंफर्म मिल गई, दो सीटें हमें मिल गई, तो हम लोग आराम से सोकर चले गए। फाइनली सीट मिल चुकी है ऊपर वाली और ये गई है सोने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो कुछ देर में ही अब हम पहुंचने वाले हैं चेन्नई, अभी 15 मिनट डिले चल रही है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। 8 बजे पहुंचने की टाइमिंग है, और इसका कंप्लीट व्लॉग आपको देखना है तो दूसरे एक व्लॉग में ऑलरेडी बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी आज फिलहाल के लिए बस हम अपना डेली व्लॉग शेयर कर रहे थे, किस तरह से हमारा आरएसी का सफ़र रहा वो सारा चीज़ आप उससे दिखाने वाले थे। पहुंच चुके हैं अवड़ी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे पहुंचने की इसकी टाइमिंग थी 7 बजे, अभी बज चुके हैं 8 मॉर्निंग के, 1 घंटे डिले चल रही है। फाइनली हमारी हो गई है सारी, यहाँ पे हमने अपना लगेज लिया है।
तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 35 मिनट डिले के साथ ट्रेन की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। हमें रात 10 बजे जो है अराउंड हमें मिल गया था दूसरा सीट। बताया कि किस तरह से आर एसी में आपको किस तरह से क्या चीज़ें चेक करनी है, तो आप सब फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ से जा रहे हैं मेट्रो, और नियरेस्ट मेट्रो के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं। हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो पकड़ के फिर एयरपोर्ट के लिए गए थे। तो आप यदि देखना चाहते हैं कि आप चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मेट्रो कैसे जा सकते हैं और वहाँ के मेट्रो से आप एयरपोर्ट कैसे जाना चाहते हैं, मतलब कैसे जा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खासकर ये, और ये बात करो ट्रेन जर्नी की, तो ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है, ऑन टाइम पहुँचा देती है। थोड़ा सा डिले रहा और एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा।